सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आज हमारे शेखावाटी में सीकर संभाग में सीकर जिले में आ रहे हैं, मैं एक नागरिक होने के नाते उनका देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये अच्छी बात है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन जो बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी जो अशोक गहलोत जी को बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री बताते हैं, माननीय जी दोस्त बताते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको, इस तरीके की स्पीच हमने सुने देश के प्रधानमंत्री जी का, तो आज फेडरल सिस्टम में एक स्टेट में जब उद्घाटन करने आ रहे हैं, 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का लगा हुआ है और मुख्यमंत्री का 3 मिनट का स्पीच भी नहीं कराना, मैं समझता हूँ कि ये इस फेडरल सिस्टम को थोड़ा सा ठीक नहीं करता है, इसको खराब करता है। मैं चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए और केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर के ही तो योजनाएं और योजनाओं की क्रियान्विति करती है। कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए केंद्र की जो राज्य सरकार के माध्यम से नहीं संचालित होती है या उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को पूर्व की भांति हमारे मुख्यमंत्री जी को अपना समय देना चाहिए था। फिर भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही है, मैंने कल 3 मांगे रखी हैं कि यहाँ अग्निवीर और अग्निपथ का भारी विरोध है, शेखावाटी के किसान के बेटे फौज में जाते थे, 15 साल बाद में पेंशन लेके आते थे, देश की सेवा करते थे, अपने परिवार को पालन करते थे, तो ये जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बना रहे हैं उसको खत्म करके देश के प्रधानमंत्री को, शेखावाटी को और राजस्थान के किसानों को एक सौगात देनी चाहिए कि वापस हो कि वो हम पूर्व की भांति डिफेंस में भर्ती करेंगे। दूसरा, जो वन टाइम सेटलमेंट की हम बार बार मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं कि किसानों का नेशनलाइज बैंकों का और केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो कर्जा माफ नहीं हो पाया है, उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट अगर वो का निर्देश रिजर्व बैंक को देते हैं, वित्त मंत्री को देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो राज्य के किसानों के इसमें हिस्से में पैसा आएगा लोन माफ करने के लिए, वो पैसा राजस्थान की सरकार देगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी उनको चिट्ठी लिखी, उसके ऊपर भी उनको संज्ञान करना चाहिए। तीसरी चीज मैंने कही है कि जो जनगणना हुई थी 11 से 14 के बीच में, 15 के लगभग, तो उसका आंकड़े भी जातिगत जनगणना के सार्वजनिक किए नहीं किए, और 2021 में जनगणना होने वाली थी, वो जनगणना भी अभी तक नहीं हुई है। तो हमारी सबकी मांग है, हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जातिगत जनगणना हो, जिससे जिस समुदाय का जितनी हिस्सेदारी हो उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। SC ST के आंकड़े पहले से आए हुए हैं, वो भी उसका आरक्षण बढ़ने का जो हक बनता है उनका, तो उन सब के ऊपर कम से कम देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री हम सबका होता है, तो ऐसे में किसानों का जो दर्द है, 3 जो कानून वो लेकर के आए थे जिससे किसान 15 महीने तक आंदोलन रखे, तो मैं समझता हूँ कि MSP के ऊपर भी बोलना चाहिए। सर,